बहुत पुरानी बात है, बगदाद शहर में अबू हसन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। कोई भी समस्या हो वह उसका हल तुरंत सोच लेता था। अबू हसन के पड़ोस में एक पहलवान भी रहता था। वह बेचारा शरीर से मजबूत लेकिन अक्ल से कमजोर था। एक दिन वह अबू हसन के पास आया। अबू हसन ने उसका स्वागत किया। बातों बातों में पहलवान ने कहा, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो लेकिन ताकत में तो मैं ही तुमसे बढ़कर हूं। अबू हसन को लगा कि पहलवान को अपनी ताकत का घमंड हो गया है, इसलिए इसे सबक सिखाना जरूरी है। उसने पहलवान से पूछा, अच्छा जरा बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? पहलवान बोला, मेरे अंदर बहुत ताकत है। मैं 100 शेर की बोरी को एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। अबू हसन ने कहा, अच्छा आओ देखें तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है और हम दोनों में कौन अधिक ताकतवर है। पहलवान बोला, ठीक है चलो। दोनों चल दिए। अबू हसन पहलवान को शहर के बाहर बनी चार दीवारी के पास ले आया। चार दीवारी 10-12 फुट ऊंची थी। दोनों वहां खड़े हो गए। अबू हसन ने पहलवान से पूछा, यह दीवार देख रहे हो? पहलवान बोला, हाँ। तब अबू हसन ने जेब से अपना रुमाल निकाला और कहा, तुम इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। पहलवान बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। यह कहकर पहलवान ने अबू हसन के हाथ से रुमाल लिया और पूरी ताकत लगाकर दीवार के पार फेंकना चाहा, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। यह देखकर अबू हसन जोर से हंस पड़ा। बेचारा पहलवान शर्म से लाल हो गया। तब अबू हसन बोला, अब तुम मेरी ताकत देखो, मैं इससे अधिक वजन को दीवार के पार फेंक कर दिखाऊंगा। अबू हसन ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसे रुमाल में बांधा और रुमाल को दीवार के बाहर फेंक दिया। पहलवान हक्का बक्का देखता रह गया। अबू हसन बोला, अब तो मानोगे मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। पहलवान की समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया, फिर भी उसने सहमति में सिर हिला दिया।